हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी विद अविनाश में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने स्मार्टफोन का जो मैसेजिंग एप्लीकेशन होता है उसका दोस्तों आप थेम साथ ही दोस्तों उसका चैट स्क्रीन और उसका फॉन्ट कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप मेरे स्मार्टफोन स्क्रीन में यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर जो टोटल यहाँ पर थेम जो इसका चेंज कर दिया है। साथ ही दोस्तों इसके अगर हम चैट स्क्रीन की भी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं पूरी तरह से यहाँ पे चेंज हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी यूनिक जो यहाँ पे है स्टाइल में यहाँ पे चैट दिख रहा है। साथ ही दोस्तों यहाँ से आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। आप इसके अलावा दोस्तों आप कोई कस्टम बैकग्राउंड भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो अगर आप भी इसी तरह का जो है अपने मैसेजिंग एप्लीकेशन का जो है थीम चेंज करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट एंड तक देखें ताकि जो आपको हर स्टेप आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। तो इसका जो है थीम चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ेगा, इसलिए सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर में। तो सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको सर्च बार में टाइप कर देना है कलर SMS। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप कलर SMS सर्च करेंगे आपके ऊपर सबसे फर्स्ट वाला जो एप्लीकेशन आएगा सिंपली आप उस एप्लीकेशन को यहाँ पे आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ पे दोस्तों आपको ओपन करने के बाद एक सेट का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टैप करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डिफ़ॉल्ट में यहाँ पे दोस्तों सबसे ऊपर वाला कलर SMS पे यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे सेट एज डिफ़ॉल्ट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे आपको टैप कर देना है। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे आप टैप करेंगे आपका पूरी तरह से आपका मैसेजिंग स्क्रीन जो है यहाँ पे चेंज हो जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर हम इसका चैट स्क्रीन की भी बात करें तो देख सकते हैं पूरी तरह यहाँ पे चेंज हो गया है। अब बात करते हैं कि आप जो है इसमें जो है आप कस्टम बैकग्राउंड कैसे लगा सकते हैं, साथ ही इसका दोस्तों अब दूसरा कोई थीम कैसे चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए सिंपली आपको ऊपर यहाँ पे थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों जैसे ही थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे यहाँ आपको थीम का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप अलग अलग यहाँ पर जो है थीम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली दोस्तों आपको थीम जो भी थीम लगाना है आपको सिंपली आपको उस पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों वो थीम देख सकते हैं अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों फिर से यहाँ पे आपको थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको थीम कलर मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप अपने हिसाब के यहाँ पे कलर भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है बबल का, बैकग्राउंड का। साथ ही दोस्तों यहाँ से आप बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से दोस्तों आपको यहाँ पे कुछ आपको कस्टम बैकग्राउंड भी मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप अपने गैलरी से भी कोई भी बैकग्राउंड यहां पे लगा सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों यहां पे कई सारे ऑप्शन है, फॉन्ट का ऑप्शन है। अगर दोस्तों आप इसका जो है फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहां पे आपको कई सारे अलग अलग फॉन्ट मिल जाएगा जो कि यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको फॉन्ट साइज का भी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपने इसका फॉन्ट साइज भी आप अपने हिसाब से यहां से चेंज कर सकते हैं। दोस्तों इसी तरह से जो है आप भी अपने स्मार्टफोन के मैसेज एप्लीकेशन को दोस्तों पूरी तरह से यहां पे उसका थीम चेंज कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप उसका कलर बैकग्राउंड, चैट बैकग्राउंड और उसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमको कमेंट करके बताएं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नीचे लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ऑन कर दे ताकि हमारी जो भी अपडेट आए सबसे पहले आप तक पहुँचे।